हे एवरीबॉडी, तो कैसे हो सारे। आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एरे ऑफ रोटेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, तो 189th प्रॉब्लम है ये आपकी लीड कोड पे। क्या प्रॉब्लम है ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ ली होगी तभी सॉल्यूशन देखने आ रहे हो, अदरवाइज हम सीधा डिस्कशन पे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले इसका कोड तो बहुत आसान है, मैं आपको बता दूँ एक बार अगर आप लॉजिक समझ गए। थोड़ी देर हम कोड को नहीं देखेंगे, हम देखते हैं हमारे को क्या दिया है। एक एरे दिया है, ठीक है, एक एरे है। एरे में हमारे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात वैल्यू दी गई हैं, ठीक है। अब वो क्या देता है, हमारे को एरे रोटेट करके दो। एरे रोटेट करनी है आपको केथ, ठीक है, या के टाइम समझ लो। अब कैसे रोटेशन होती है, क्या होता है, ये चीज़ बात कर लेते हैं। मान लो हमारे को के की वैल्यू 1 दी है, यानी कि हमारे को 1 टाइम इसको रोटेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा रोटेशन ऑफ 1 का मतलब क्या होगा कि सारी वैल्यूज एक एक प्लेस अपने आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, जो ये 7 वैल्यू है वो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। कैसे आ जाएगा हमारा एरे, 7, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब हमारे को सॉल्यूशन कौन सा ढूंढना है, बहुत सारे सॉल्यूशंस के पॉसिबल है। हमारे को सॉल्यूशन ढूंढना है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन हो, यानी कि लीनियर टाइम में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात होगी तो बिग ओ ऑफ 1, ठीक है, यानी कि इन प्लेस में होगा सबसे पहली बात तो, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एक तो ये हो जाती कि हम एक एरे लगा देते, सॉरी एक प्रॉब्लम थे हमारे से ऐसे सॉल्व हो जाएगी कि हम एक सीधा फॉर लूप लगा दें और एक एक वैल्यू को शिफ्ट कर दें, ठीक है। अब वो बोलता है k इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और लूप लगा देंगे बाहर की तरफ, वो हमारे अंदर वाले लूप को चला देगा, ठीक है। ये वाला लूप क्या कर रहा होगा, शिफ्ट वाला लूप होगा, ठीक है। और ये वाला कौन सा लूप होगा, k वाला लूप होगा। तो ये वाली वैल्यूज को क्या करेगा, एक एक शिफ्ट करता जाएगा अंदर वाला। और k टाइम्स चला दो, यानी कि 3 बार है तो 3 बार शिफ्ट कर दो, ठीक है। वो 3 बार एक एक शिफ्ट हो जाएगा प्लेस पे, तो वहीं बात पड़ जाती है, ठीक है। ये किस में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर में। तो ये हमारा केस खत्म हो जाता है, ठीक है। हमारे को बिग ओ ऑफ 1 में सॉल्व करना है, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। हमारे पास एरे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आपके पास k इक्वल टू 3 है, ठीक है, k इक्वल टू 3 है, तो आपको क्या करना होगा, 3 टाइम्स इसको रोटेट करना होगा, ठीक है। नाउ आपका एरे क्या निकल के आएगा, जल्दी से बताओ। आपका एरे आएगा 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। और यही आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, देख सकते हो आपको एग्जांपल 1 में, ठीक है, जो क्या है, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना, बहुत आसान है यार, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, k हमारे को दिया हुआ है, ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पूरे एरे को रिवर्स कर देते हैं। अगर मान लो मैं पूरे एरे को क्या कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, पूरे एरे को स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 इसमें पूरे एरे को रिवर्स कर रहा हूँ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करूँगा मैं, मेरे को क्या दिया हुआ है, k इक्वल टू 3, तो मैं यानी कि 3 वैल्यूज़ को, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, आगे की 3 वैल्यूज़, इन 3 वैल्यूज़ को, ये कहाँ से होगी, 0, 1, 2, यानी कि जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हमारी किस पे आएगी, k माइनस 1 पे, ठीक है। अब मैं क्या कर दूँ, इनको रिवर्स कर दूँ, ठीक है, तो मेरा अब क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा 5, 6, 7, कॉमा ये वाली सेम रहने वाली है, ठीक है, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब मेरा आता है स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 1 में पूरा एरे रिवर्स हुआ, स्टेप 2 में आगे का कहाँ तक, 0 से लेके k माइनस 1 तक मेरा एरे रिवर्स हुआ, और इसमें फुल, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, स्टेप 3 में हमारा हो जाएगा k से लेके जो लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, लास्ट तक हमारा क्या हो जाएगा, अरे रिवर्स कर दो k से, ठीक है। तो इस बार हमारी कौन सी वैल्यूज चेंज होने वाली है, ये वाली 4, 3, 2, 1, लास्ट वाली वैल्यू कहाँ पे पड़ी होगी, हमारे n माइनस 1 पे,
ठीक है, साइज माइनस वन पे, ठीक है। तो अब मेरा एरे क्या हो जाएगा, देखो मेरा एरे हो जाएगा 5, 6, 7, ये वैल्यू ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना था, ये वाली वैल्यू उसको रिवर्स, अब मेरा हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ध्यान से देखोगे और ये आंसर दोनों मैच कर लो, सेम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेप वन फुल एरे रिवर्स कर दिया, स्टेप टू जीरो से लेके के माइनस वन तक, यहाँ तक, ठीक है, इस एरे को रिवर्स कर दिया। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एरे में हम के से लेके लास्ट तक वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, बस इतना सा काम है। अब फटाफट से इसका कोड कर लेते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इस वीडियो में आपको बता दूं, रिवर्स का मैं कोड बस बता देता हूं आपको। हमने क्या किया, एक वाइल लूप लगाया, दो पॉइंटर लगा दिए स्टार्ट और एंड, ठीक है, स्टार्ट और एंड वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है पॉइंटर्स के थ्रू। अगर फुल डिटेल में आपको इसका आंसर चाहिए तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी है एरेज की प्लेलिस्ट में, तो जाके चेक कर लेना, ठीक है। अब बात कर रहे थे यहाँ पे सिंपल, मैंने क्या बोला, सबसे पहले रिवर्स करते हैं स्टेप वन, फटाफट से मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे तीनों स्टेप हो चुके हैं, पहला स्टेप फुल एरे रिवर्स, फुल एरे में लास्ट वैल्यू नम माइनस वन पे पड़ी होगी, लेंथ माइनस वन पे, ठीक है। अच्छा अब इस कोड को जरा रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे चीजें। परफेक्ट, हमारा एक्सेप्टेड हो गया है, कोड चल गया है, बेहतरीन चला है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ जो ये 3 है, और हमारा साइज क्या है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यूज हैं, 7 साइज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल दूँ, अगर मैं 8 कर दूँ, ठीक है, साइज से ग्रेटर जा रहा हूँ मैं, अब देखो सी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्यों, क्योंकि देखा था हमने के माइनस वन, ठीक है, के, अब के तो जा ही नहीं सकता क्योंकि 8 है और एरे ऑफ साइज 7 है, ठीक है। तो आपको एक लाइन जोड़नी पड़ेगी, वो लाइन क्या है, के इक्वल टू के रिमाइंडिंग बाय क्या हो जाएगा हमारा, नम्स ऑफ लेंथ, ठीक है, जो भी हमारा एरे पड़ा है उसकी लेंथ, बस। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है, सी बहुत सिंपल है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर कह रहे हैं, मान के चलो के की वैल्यू मेरे पास 3 है और एन की वैल्यू मान लो साइज ऑफ द एरे हमारे पास 7 है, तो मैं बोलूँ के रिमाइंडिंग बाय 7 कितना हो जाएगा, 3 रिमाइंडिंग बाय 7, ये क्या होता है, ये क्या देगा, रिमाइंडर, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3। अब वैल्यूज अगर बढ़ी जाती है तो 8 रिमाइंडर बाय 7, अब क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, 1, यानी कि एक ही बार करेगा, मान के चल लो 7 रिमाइंडिंग बाय 7, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे, अगर साइज के इक्वली हो जाता है, ठीक है, एरे को आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो वो 7 टाइम्स शिफ्ट होगा, ठीक है, तो यानी कि हर वैल्यू जो 7th टाइम पे होगी वो सेम पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0, यानी कि वो रोटेट होगा ही नहीं, नो रोटेशन, ओके, ये पंगा था। चलो फिर अब ये वाली छोटी सी प्रॉब्लम थी हमारी, इसको फटाफट से पुट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। अब इसको सबमिट कर देते हैं सीधा, क्योंकि मुझे पता ये सही है। सी आप देख सकते हो रन टाइम 0 मिलीसेकंड, फास्टर देन 100%, ठीक है, तो आपके बेहतरीन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मेमोरी ज़्यादा यूज हो नहीं रही है, ठीक है, मैंने बता दिया बिग ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम में ही हो रहा है, ठीक है, स्पेस का भी। फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के साथ, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हाँ, और भी वीडियो सॉल्यूशंस मैंने डाल रखे हैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, तो लीड कोड की एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और एरे स्ट्रिंग्स लिंक लिस्ट टॉपिक वाइज भी मिल जाएगी, तो जाओ वो भी चेकआउट करो चैनल पे, ओके, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाओ, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।